आज हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए एक बाहुबली को सलाखों के पीछे कैसे डलवाए गए, इसको लेके चार दिन से लगातार जंतर मंतर पे ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इन सबको, मेरे भाइयों को, बहनों को, कि उन्होंने ऐतिहासिक शुरुआत की। हम उस कौम से आते हैं जिसका डंका दिल्ली में हमेशा बजा और जो कभी रुकी नहीं, झुकी नहीं। और तीनों कृषि बिलों में अगर मोदी को किसी ने देश में झुकाया, ये वही कौम है दोबारा प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जब तीनों कृषि बिल आए थे तो हमारे राजस्थान के अंदर कृषि बिलों को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। कृषि बिलों के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे। मैं भाइयों, यही नहीं, जब अग्निपथ लेके आए तो अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर किसी सांसद ने किया, नागौर के सांसद ने किया, झंडे के साथ अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया कि किसान बिलों के अंदर जो हार बीजेपी की हुई है उसका बदला लेने के लिए हम अग्निपथ लेके आए हो, क्योंकि फौज के अंदर भी सबसे ज्यादा साधक हमारे बच्चे देते हैं। आजाद इन फौज से लेके अगर बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए सबसे ज्यादा जांबाज अगर दिखेंगे तो इस कौम के सबसे ज्यादा जांबाज दिखेंगे। गीतों के अंदर भी जब गाया जाता है तो फौज को अपन मजबूती के लिए गीत गाते हैं, कोई सिख कोई जाट मराठा, सिख भी जड़ सिख जादूकर अपने भाई हमारी कौम से बने थे, सिख कोई जाट मराठा, वो गीत अगर किसी के लिए गाया जाता है, इस कौम के लिए गाया जाता है, एक बार हम निकल पड़ते हैं तो परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपको कहता हूँ कि आपने हमारी बहन बेटियां और हमारे छोटे भाइयों को जो तकलीफ दी है ये ठीक नहीं है। समय रहते गृह मंत्री जी आप मुकदमा दर्ज करें, और कितना ही बड़ा बाहुबली हो, हमारे लोगों से ज्यादा बड़े बाहुबली इस देश के अंदर।